नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों आज मैं आपको अपने सेपरेट केज की प्रोग्रेस चेक करवाऊंगा। ऊपर बजीस की कॉलोनी है और नीचे मेरे सारे सेपरेट केज हैं, आप सभी जानते ही हैं, तो इनकी प्रोग्रेस मैं आपको चेक करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देखने के लिए रुके हैं, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। तो फ्रेंड चलिए सभी केज की हम लोग प्रोग्रेस चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वो चार पैर, बजीस के चार पैर जो हमने सेट किए थे मैंने, और आपको मैंने अपडेट भी दी थी जब मैंने इनको यहाँ पे छोड़ा था। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं की प्रोग्रेस हम चेक करेंगे, अंदर चलते हैं। तो लोग हटाते हैं और चलते हैं केज के अंदर। सबसे पहले हम वो ऊपर वाली मटकी चेक करेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट है। सबसे पहले इस मटकी में देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड इसमें देख सकते हैं आप, दो चिक्स हैं और चार अंडे अभी भी पड़े हैं। अब देखते हैं इस मटकी में क्या है। फ्रेंड इसमें एक अल्बिनो की फीमेल है और इसके जो फेदर आप देख रहे हैं, इसकी हालत देखिए और इसके फेदर क्यों इतने निकल रहे हैं, इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो आपके बना के आपको दिखाऊंगा। उसका मैं कारण बताऊंगा आपको कि क्या वजह है कि इसके फेदर निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप इसकी हालत, और यहाँ पे अंडे देखते हैं कितने हैं। मेरे ख्याल से 5 अंडे यहाँ होने चाहिए, मैंने देखे थे। एक एक तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको हिला के देखते हैं, थोड़ा इधर उधर होगी तो ये, लेकिन नहीं हट रही है। तो चलिए फ्रेंड इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब इस मटकी में देखते हैं कि इस मटकी में क्या है। यहाँ पे भी फीमेल जो है अंडों पर बैठी है, कोशिश करते हैं कि आपको इसके अंडे सही से दिख जाए, हटाने की पूरी कोशिश करूँगा। देख सकते हैं फ्रेंड चार अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो चार या पांच अंडे होंगे इसके नीचे भी, बच्चे अभी नहीं निकले हैं। यहाँ पे देख देखिए, यहाँ पे फ्रेंड चार चिक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक सामने एक राइट में, दो पीछे हैं और दो अंडे आगे हैं, और चारों ही बच्चे रेड आइस हैं इसके अंदर। तो देख सकते हैं चार पेड़ यहाँ पे छोड़े थे हमने और चारों की मटकियों में अंडे बच्चे आ गए। अब चलते हैं फ्रेंड इस वाले पैर में। इसको भी जब मैंने छोड़ा था तो इसकी भी अपडेट मैंने आपको दी थी, तो इसने भी फीमेल ने अंडे दे दिए हैं, फीमेल अंदर ही है। देख सकते हैं ऊपर से ही दिखाऊंगा फ्रेंड, चार अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, फीमेल अंदर ही है, क्योंकि मेरे पास इसकी फर्स्ट ब्रीड है तो मैं नहीं चाहता इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब करूँ। फर्स्ट ब्रीड कोई भी नया परिंदा हो, खास कर कहेंगे लव बर्ड और कॉकटेल में, मैं समझता हूँ कि पहले ब्रीड में उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब अपने पास आदि हो जाएंगे, ये कुछ पट्टे हैं यहाँ पे, तो अभी तीन चार मटकियाँ मैंने दी है इनको, एज हो गई है। देख सकते हैं यहाँ पे मटकी भी सेलेक्ट कर ली है फीमेल ने, तो देखेंगे यहाँ भी अपडेट मैं आपको दूंगा। नीचे एक पैर है लोटिनो का, लेकिन कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ पर भी फ्रेंड अंडे आ गए हैं मटकी में, तो देखते हैं, ये फीमेल बहुत बुरा मानती है, एग्रेसिव है, जब भी मैं आता हूँ तो तुरंत मक्खी से बाहर आ जाती है। लेकिन चलिए आपको कोशिश करूँगा कि अंदर लेकर चलूँ और आपको इसकी मैं प्रोग्रेस अच्छे से चेक करवाऊँ। फीमेल देखिए अंडों पर बाहर आ रही है, देखते हैं कितने अंडे दिए हैं, तो हट नहीं रही है ये। तीन अंडे फ्रेंड आप देख सकते हैं, चार अंडे दे दिए हैं इसने, तो अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अंडे हमको दिख चुके हैं, बाकी देखेंगे कितने बच्चे निकालती है। यहाँ पे कॉकटेल है, मटकी वगैरह कुछ भी नहीं दिए, एक पैर यहाँ पे इसको भी कोई मटकी नहीं दिए। ये हमारा पुराना पैर है, इसने 5 चिक्स निकाले थे, 5 ही अफसोस से एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब देखेंगे नेक्स्ट डेट कब चालू होती है इसकी। अब चलते हैं फिंच के केज में। यहाँ पे दो पैर हमने फिंच के छोड़े थे, इसकी भी अपडेट मैंने आपको दी थी, तो अंदर चलते हैं और जल्दी से देखते हैं कि क्या रिजल्ट है इसका। मेल बेटा है अंडों पर, देख सकते हैं यहाँ पे
चार अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, मेल अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब इस मछली में देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड देख सकते हैं सभी केज की प्रोग्रेस, सभी केज की जो प्रोग्रेस है वो मैंने आपको दिखा दी है। तो उम्मीद करता हूँ प्रोग्रेस आपको पसंद आई होगी। प्रोग्रेस आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड। तो मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।